हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम। चलो अपना अपना काम खत्म करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 बचा है ना, सो इसको ठीक तरीके से लिखो। डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन x y इज इक्वल टू 2 अपॉन x² + 1। ओके, सो यहाँ पे पी स्टेप वन, आई एम सॉरी, पी इज इक्वल टू 1 अपॉन x, क्यू इज इक्वल टू 2 अपॉन x² + 1। स्टेप थ्री, ओ स्टेप थ्री कहाँ से आई, स्टेप टू, आई एम सॉरी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स, सो ई रेस टू 1 अपॉन x dx, ठीक है, सो ई रेस टू लॉग एक्स ऐसे हो जाएगा, ये कैंसिल, सो इट विल बिकम इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज एक्स। ओके, सो स्टेप थ्री की तरह बढ़ते हैं। स्टेप थ्री, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी, वॉट एवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहीं पे भी लिखो, मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। ओके, सो एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, ये क्या था अपना, वो था 2 अपॉन x² + 1, और उसको बेचारे को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, डी एक्स प्लस सी, काम खत्म। एक्स वाई इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई करो 2 अपॉन x dx प्लस एक्स डी एक्स प्लस सी। नाउ जस्ट सॉल्व दिस, एक्स वाई ये हो जाएगा 2 log x प्लस x² / 2 प्लस सी। से इक्वेशन नंबर वन, बिकॉज दिस इज एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यूज आर y(-1) = 0, ठीक है, सो वी हैव टू जस्ट पुट डाउन दिस वैल्यूज, y(-1) = 0, सो दिस इज एक्स, दिस इज वाई। बट गाइज एक बात ध्यान में रखना ऑलवेज, देखो अगर मैंने y की वैल्यू यहाँ पे -1 रख दी, सो ये 2 log -1 हो जाएगा और ये आंसर वैलिड नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है, लॉग माइनस वन होता ही नहीं है, ठीक है, सो दैट्स वाई देर इज -1, ठीक है, सो ये सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। फिर आगे का देखो, मतलब वो थोड़ी वैल्यू गलत हो चुकी है, सो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, सो उसको स्किप कर दो एज अ रॉन्ग क्वेश्चन। सो यहाँ पे एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y = 8x², ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे हुआ है, मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं आपको बताते जाऊंगा कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले इसको ठीक तरीके से लिख लो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन x y = 8x। ओके, सो हियर स्टेप वन, p इज इक्वल टू 2 अपॉन x, q इज इक्वल टू 8x। स्टेप टू, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओ ई रेज टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी हियर, 2 अपॉन x dx, इट विल बिकम x²। अब ये डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि ये आप आपके हाथों का मतलब आराम से हो सकता है, आपको इजिली कर सकते हो आप ये, ठीक है। सो वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, सो वाई इंटू x² ओके इज इक्वल टू x² क्यू की वैल्यू क्या आई थी स्टूडेंट, 8x, सो x² × 8x dx प्लस सी, सो x² y इज इक्वल टू 8x³ dx प्लस सी, सो x² y इज इक्वल टू ये 4, 4 to the 8, सो 2x⁴ + c, बट दिस इज एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, सो वी हैव टू पुट हियर y(1) = 3, सो y(1) = 3, सो इट विल बिकम एक्स, दिस विल बिकम वाई, सो इफ देन वी पुट हियर, सो 3 इज इक्वल टू 2 + c, दैट इज c इज इक्वल टू 1, सो फाइनल आंसर विल x² y + 2x⁴ = 2x⁴ + 1, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। देन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडे सेशन विच इज 7, सो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy = x। ओके, नाउ हियर इट्स वेरी सिंपल, सो स्टेप वन, p इज इक्वल टू 2x, q इज इक्वल टू x, सो स्टेप टू,
that is integrating factor is equal to e raised to integration p dx. So integration e raised to 2x dx. So it will become e raised to x square. Okay. So e raised to x square is an integrating factor. Okay. So now we will move to step 3. Y into integrating factor is equal to q into integrating factor dx plus c. So y e raised to x square, what is the value of q, student? Q is x. So x e raised to x square dx plus c. Now just here, put x square is equal to t. So you will get 2x dx is equal to dt. So it will again get x dx is equal to dt by 2. This is a very famous substitution. Y e raised to x square is equal to ये हो जाएगा 1 upon 2 e raise to t dt plus c. ठीक है, after this substitution. देखो, integration करना है तो substitution सीखना पड़ेगा. ठीक है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता. So 1 by 2 e raise to t plus c. But what is the value of e raise to t? That is x square. So 1 by 2 e raise to x square. ठीक है, initial value problem निकालो. मतलब initial value निकालो और मुझे c की value comment section में बताना. ठीक है, so this is the end of this video. Okay. So in next lecture, we will finish this exercise with question number 6. Okay, student. So have a good day. If you have any doubt, please send me on my WhatsApp number or just comment it. Okay, I will explain in next lecture. So thank you so much, guys. Or koi suggestions ho, to please bata dijiye. Theek hai? So lectures or better ho sakte hain. Thank you so much. Thank you.